वर्क परमिट कर रहे हैं बजाय आगे भागने के, वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो वहाँ पे कुछ मटेरियल वगैरह मंगवा के पाकिस्तान से या चाइना से या दूसरे कंट्री से, तो वो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये रोमानिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बहुत डिमांड है वहाँ पे, और जो लोग कंस्ट्रक्शन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। बेसिकली इस कंट्री के अंदर स्पेशली चंद जो बड़े सिटीज़ हैं, कैपिटल बुखारेस्ट है, और इसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर सिटी है क्रूज सिटी, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो रही है और उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसमें भी काफ़ी डिमांड है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लड़के वहाँ पे वर्क परमिट कर रहे हैं बजाय आगे भागने के, वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो वहाँ पर कुछ मटेरियल वगैरह मंगवा के पाकिस्तान से या चाइना से या दूसरे कंट्री से, तो वो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर। जब आप दूसरे बिज़नेस में दिलचस्पी लेंगे, वहाँ पे मौके देखेंगे, उनके अंदर घुसेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली दुनिया आपके लिए खुल जाएगी। और स्पेशली चलें एक जो हमारे अनएजुकेटेड एक इलिटरेट जो तबका है जो इंटरियर पंजाब से आता है, उनको तो छोड़ें, जो लोग अच्छे खासे जो एजुकेटेड लोग हैं तो उनको ये सिमत जो है ना ये पकड़नी चाहिए। जो लोग जानते हैं, जो लोग ऑनलाइन ये चीज़ें कर सकते हैं, तो उन लोगों को इस फील्ड की तरफ आना चाहिए। स्पेशली मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है वो ध्यान दें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, या दूसरे जो बिज़नेस हैं उसमें आप दिलचस्पी लें, तो आप लोगों की दिलचस्पी की वजह से दूसरे लोगों का भी माइंड जो है ना वो चेंज होगा। देखें, ये वीज़े जो है बैरूनी दुनिया में जाना, जब आपकी एक गुडविल बन जाती है, आप अच्छे बिज़नेस मैन बन जाते हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो वीज़े सारी दुनिया दे देती है, यूरोप भी देती है। अभी आप देखें कि जो रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़ हैं इस वक्त दुनिया में, मलेशिया जो है मुस्लिम कंट्री है एक, लेकिन बड़ा अच्छा उनका बैरूनी दुनिया में एक इमेज बना हुआ है, और इवन यूके के लिए एंट्री है उनकी। तो ऐसे जो है ना, आप जब सिविलाइज्ड होंगे, जब बिज़नेस मुख्तलिफ करेंगे, इलीगल जो है ना जाना बंद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए दुनिया खुल जाएगी। ये हमारा पासपोर्ट इस वक्त लीस्ट इसलिए हुआ है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं यूरोप के लिए वो पाकिस्तानी हैं, 65% दूसरे लोग और 35% हमारे लोग, तो इस वजह से ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। और मैं ये अपॉर्चुनिटी इसलिए बताता रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जब एक डिमांड है, आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है वहाँ पर, चीज़ें जो है ना आपने फाइंड आउट करनी है कि क्या डिमांड है, और उसके अंदर घुसें, तो उसके बाद आपको वहाँ पे रास्ते खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो दूसरे यहाँ पे जो बिज़नेस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए दुनिया में हो रहे हैं, तो अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जब आपके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपके मुल्क की प्रोडक्ट जो है ना वो दूसरे कंट्री में जाएगी तो रेवेन्यू आएगा आपके कंट्री के लिए, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। अपनी इंडस्ट्री बेहतर करें, एक्सपोर्ट बेहतर करें। अब चाइना जो है ना, चाइना में हर चीज़ जो है ना उन्होंने सिर्फ अपनी अफरादी कुव्वत को इस्तेमाल किया है, मैन्युफैक्चरिंग वो करके दे रहे हैं, जब मटेरियल नहीं मिलता तो इवन वो पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें मंगवा लेते हैं, लेकिन फ़ायदा तो सारा चाइना को हो रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है, जो उनकी अफरादी कुव्वत है उनको काम मिल रहा है, बाहर माल भेजते हैं तो रेवेन्यू उनके कंट्री को मिलता है, टैक्स गवर्नमेंट ले रही है तो सारा फ़ायदा उनको मिलता है, और रॉ मटेरियल जो मुख्तलिफ कंट्री से इकट्ठा करके तो वहाँ मैन्युफैक्चर करके वो देते हैं। तो इसी तरह अगर आप अपने मुल्क की प्रोडक्ट को जो है ना वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कोशिश करेंगे, अपना अच्छा ब्रांड बनाएं,